राधे राधे आप सभी को। मैं हूँ रूपा पांडे और मैं अपने चैनल ब्यूटी विथ नेचर पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को हमेशा की तरह इस बार आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रेगनेंसी सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। आई होप कि आपको आगे भी इस तरह से मेरे जो मैं आप लोग के सामने जो भी मैंने फेसेस के जो शेयर कर रही हूँ तो आप लोग को पसंद आए। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप और भी देखते रहें, एंड कमेंट करें और ढेर सारे जो मेरे वीडियोज उसको हर जगह शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि जो आप लोग नॉलेज ले रहे हैं तो उन्हें भी तो नॉलेज लेनी ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें और हाँ, मेरे वीडियो में क्या गलतियाँ आ रही है वो भी मुझे बताएं। तो जैसा कि मैं ये वीडियो के तो अपने थंबनेल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो चलिए मैं अपने इस बातों को बंद करते हुए टॉपिक पे आती हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो लेस कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सेकेंड प्रेगनेंसी हो, बहुत सारे को होते हैं कि ये मत खाना वो मत खाना। बहुत लोग अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो बहुत हद तक बहुत चीज़ों के बारे में पता चल जाता, फिर भी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये फल नहीं खाना तो ये फ्रूट्स नहीं खाना, तो डॉक्टर ये कहते हैं कुछ ये कहते हैं, मतलब डॉक्टर से हम पूछते नहीं, मतलब घर में ही फैमिलीज़ जो होते हैं कुछ कुछ ये कहते हैं ये मत खाना तो वो मत खाना, तो हम कन्फ्यूज रहते हैं हम कौन सा फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स हमें प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। तो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि कौन से फ्रूट्स खाने से आपको फ़ायदे होंगे आपके और आपके बेबी के लिए, और कौन से जो फ्रूट्स है जो कि आपको बिल्कुल भी उसे नहीं खाना है। तो जैसे कि अभी हमें ना विटामिन सी के जो युक्त जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फाइबर जिसमें होता है वो फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे बेबी के हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो खाना चाहिए। लेकिन उसमें भी कौन कौन से फ्रूट्स है जो हमें उसके सेवन करने चाहिए नहीं करने चाहिए तो मैं बताती हूँ। सब देखिए हमें कौन कौन सा फ्रूट जो कि मैं आपको बता रही हूँ आप खा सकते हैं, लाइक एप्पल ऑरेंजेस ठीक है, सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया। बहुत लोगों को केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, केला 3 महीने स्टार्टिंग के 3 मंथ तक आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खा सकते हैं। फिर अंगूर हो गया, अंगूर भी आप क्या हो, अंगूर और केला आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ तक उसे अवॉइड करना है, उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। 3 मंथ से मतलब 3 मंथ होने के बाद 4 मंथ से आप खा सकते हैं, 3 मंथ तक केला और अंगूर को नहीं खाइएगा, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना, उसे आप खा सकते हैं ठीक है। ऑरेंजेस हो गया, संतरा हो गया, उसे हमें खाना है, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंगो, आम खाना, बहुत लोगों से आप सुने आम नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं बात है, आप आम खा सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नहीं उसको खाने से, आम का जो टुकड़ा होता है उसका आधा टुकड़ा जो होता है सेवन वो आपको करना है, आप पूरा फुल आपको मैंगो नहीं खाना है, लेकिन हाफ आप खा सकते हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं है। एप्पल तो मस्ट है, अनार खा सकते हैं आप, अनार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ कि कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं कौन नहीं खाने में आपको वही बता देती हूँ, इससे आप लोग आसानी होगा कि क्या खाना ही जो चीज़ नहीं खाना और क्या जो बचे उसे खाना है। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए, पक्का पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और जो अनानास और पपीता होते हैं उसे खाने से बहुत जो हमारे हार्मोन जो भी हमारे हार्मोन बन रहे हैं जो बेबी के लिए उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आपको क्या होता है कि अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको दर्द जल्दी हो जाएगा या आपका 9 मंथ से पहले ही दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, या गर्भपात की भी शिकायत इसमें हो जाती है, मतलब अबॉर्शन हो जाता है। तो इसी कारण से अनार दोनों दो चीज़ को तो आपको भूल के भी नहीं खाना, आप पक्का पपीता बिल्कुल नहीं खाना है और अनानास नहीं खाना। आप कच्चा पपीता खा सकते हैं, उसकी सब्जी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको पक्का पपीता जिसके फ्रूट्स में आते हैं आपको फ्रूट्स से बताते तो फ्रूट्स से आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना। और नींबू, नींबू का भी आपको ज़्यादा उससे सेवन, नींबू तो बिल्कुल ही नहीं खाना है क्योंकि वो आप उसके खाने से आपको सीने में जलन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो नहीं, आप संतरा खा सकते हैं लेकिन जो ज़्यादा खट्टा होता है उसे आपको नहीं खाना चाहिए, हल्के मीठी जो संतरे होते हैं आपको उसी का सेवन करना है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि कौन सा जो दो फ्रूट्स है उसे खाने ही नहीं है, तो बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंगूर और केला वो स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं उसमें नहीं खाना, उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल भी फ़ायदेमंद होता है,
बिल्कुल ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको इस संबंध हमारे अभी हमें और हमारे बेबी के लिए विटामिन सी और फाइबर युक्त जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो हमें खा सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने आपको इसलिए बताया कि फ्रूट्स कौन कौन से खाने नहीं खाने, जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वेजिटेबल हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या खाने से फ़ायदा हो सकता है, आप चाहते हैं कि इसके विषय में भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं और क्या आप लोग के प्रॉब्लम है, क्या कोई जरूर और ज़रूर आप लोग देखिएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे सारे वीडियोस बना रही हूँ, जैसे मेरा भी प्रेगनेंसी मैं भी आई एम प्रेगनेंट, तो भी मैं प्रेगनेंसी सीरीज बना रही हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारे हैक वीडियो हो गया मेकअप वीडियो, मेकअप ट्यूटोरियल बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल में जाके आप मेरे वीडियोज़ को देखिएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और उसमें भी क्या कमी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बस आप लोग के लिए ताकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था मैं क्या खाऊँ क्या नहीं, कोई कहते ये नहीं खाओ वो मत खाओ, तो मैंने जो डॉक्टर से पूछा, जो मैंने जाना, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने खुद पे भी जो ट्राई किया खा के कि हाँ मुझे इससे क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, तो इसी कारण से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।